आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में हमसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने 100 मान लिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में छात्राएं कितनी हैं? कुल विद्यार्थी का मतलब छात्र और छात्राएं दोनों हैं, ठीक है। छात्राएं कितने प्रतिशत हैं? 36%। तो छात्र कितने प्रतिशत होंगे भाई, 100 में से अगर 36 घटाओ तो कितना आएगा, 64%। तो बाकी 64% के छात्र हो गए, है ना। और यहाँ पर छात्राओं की संख्या नहीं दी गई है, छात्र की संख्या दी गई है 864, है ना। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों का 64%, 864 बराबर होगा। इसको हम हल कर लेते हैं, का मतलब गुणा 64% मतलब 64/100 बराबर 864। फिर इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 864 है, 100 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और 64 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। x बराबर अगर हम 64 से जो है 86,400 को अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 64 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इधर, चौसठ इकन्नम 64, 6 में से 4 घटाओगे 2, 8 में से 6 घटाओगे 2, फिर इसके बाद 4 उतार लेंगे कट जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा यहाँ पर x का 1350। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 1350। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।